मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग अगला कॉन्सेप्ट अब डिस्कस करने जा रहे हैं। रजिस्टर निकालिए, पेन निकालिए, राइट। जो पढ़ने का मैंने तरीका आपको बताया, उस तरीके को फॉलो कीजिए कि क्या एग्जैक्ट तरीका है। लेक्चर जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, उसे इन वन को नहीं देखना है, बल्कि ब्रेक कर करके, समझ समझ करके, अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम यदि मैं सॉल्व करवा रहा हूं, तो ये नहीं कि प्रॉब्लम आप देख लेंगे कि हाँ सर ने ऐसे करा दिया, नहीं। आप उस प्रॉब्लम को आगे सॉल्यूशन देखने के पहले पहले खुद आप अपना माइंड अप्लाई कीजिए कि उसे कैसे क्रैक करेंगे, उसका अप्रोच क्या होगा, राइट। अब फिर उसके बाद आगे फिर हमारे लेक्चर के अकॉर्डिंग प्रोसीड कीजिए, ब्रेक कर करके, तोड़ तोड़ के। तोड़ने का मतलब है कि ये नहीं कि इन वन को देखना, बल्कि थोड़ा सा देखा, फिर समझा, फिर अपने दिमाग में उसे एस्टैब्लिश किया, और फिर उसे लिखा भी, फिर आगे प्रोसीड किया, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं लेक्चर आगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग रे ऑप्टिक्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। रे ऑप्टिक्स में जो अब तक हमने डिस्कस कर लिया था वो ये था कि भाई कि मिरर फॉर्मूला, फिर रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, और मिरर फॉर्मूले को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर ही बात हमने करी थी। अब हम लोग जो इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक कॉनकेव मिरर जो है एक रियल ऑब्जेक्ट का कैसा कैसा इमेज बना सकता है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे सारी बात ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक कॉनकेव मिरर ले लेंगे, और उस कॉनकेव मिरर के एक्सिस पे एक मैं रियल ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दूंगा, राइट। अब फिर उसके इमेज की फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, अब ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने क्या क्या एक कॉनकेव मिरर ले लिया है। कॉनकेव मिरर के बारे में तो आपको पता ही चल गया है कि जैसे एक चम्मच है, चम्मच भी एक कॉनकेव मिरर होता है, घर में रहता है, उसको आप ले सकते हैं, एक बहुत चमकता हुआ चम्मच आप ले लीजिए, या कहीं से भी आप एक कॉनकेव मिरर आप परचेज कर सकते हैं मार्केट से, राइट। अब क्या किया आपने कि एक ऑब्जेक्ट को बेसिकली इस एक्सिस पे मैंने रख दिया है, ये रियल ऑब्जेक्ट है आपका। रियल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है वो हमें पहले से पता ही है। मान लिया जाए कि इस रियल ऑब्जेक्ट को, या सिंपली ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो रियल ऑब्जेक्ट होता है सिंपली उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो आपका पोल से डिस्टेंस एक्स पे है, राइट। तो अब इसके इमेज की फॉर्मेशन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप इमेज डिस्टेंस निकालिए। रे डायग्राम कभी भी पहले कैलकुलेट नहीं करना है, कभी भी नहीं, रे डायग्राम के बेसिस पर नहीं काम करना है आपको। मिरर फॉर्मूले का यूज करके सबसे पहले आप इमेज डिस्टेंस निकालिए, क्योंकि उसी इमेज डिस्टेंस से सारी बात आगे क्लियर होगी। अभी हम लोग क्या करते हैं कि कोई वैल्यू एक्स ले लेते हैं, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है पोल से, वो मैंने एक्स ले ली है। फोकल लेंथ इस मिरर की एफ के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, देखिए यहाँ पे हमें ये पता है कि ऑब्जेक्ट से जो रेट जाएगी स्कैटर होकर के इस मिरर पे, वो इस डायरेक्शन में जाएगी। तो इस डायरेक्शन में यदि रे जा रही है, आप डिस्टेंस इसकी जो मेजर करेंगे पोल से, वो इधर आके मेजर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू माइनस एक्स। फिर से समझिए बात को, ऑब्जेक्ट के ऊपर रे, जैसे हमने इमेज की फॉर्मेशन के ऊपर क्या बात करी है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बेसिकली जो है लाइट गिरती है, वो लाइट ऑब्जेक्ट से क्या होती है, स्कैटर होती है, वही स्कैटर लाइट एक मिरर पे इंसिडेंट करती है, जो रिफ्लेक्ट करती है, उसकी वजह से इमेज फॉर्म करता है। तो वही वाली बात है। तो जो इस ऑब्जेक्ट से स्कैटर रे है वो इधर ट्रेवल करेगी, राइट। ट्रेवल तो सारे डायरेक्शन में करेगी, बट इधर जो रे ट्रेवल करेगी वही इससे क्या करेगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। अब रे इधर जा रही है, आपको डिस्टेंस मेजर करना है पोल से, पोल से मेजर करने के लिए डिस्टेंस आप इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो हमारी बात कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में ये हुई थी कि जिस डायरेक्शन में रे गिरती है मिरर पे, यदि आप डिस्टेंस उसके अपोजिट जाते मेजर करने के लिए, तो इट विल टेकन ए नेगेटिव, दैट्स व्हाई यू विल बी इक्वल टू माइनस एक्स। पिछला जितना भी सेशन है उसको जरूर से देखिए, उसमें पूरा डिटेल में डिस्कशन हुआ है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बारे में, फिर इसके बाद रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज वगैरह सारी डिस्कशन हुई है, तो जरूर से आप उसे देखें। अब यहाँ पे यू की वैल्यू मैंने माइनस एक्स रखी है। अब फोकल लेंथ आपको पता ही, कॉनकेव मिरर का अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन माइनस एफ लेते हैं, तो माइनस एफ ले लिया है हमने। अब ये आपका मिरर फॉर्मूला है, 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। इस मिरर फॉर्मूले में यू की जगह पे माइनस एक्स रखा, एफ की जगह पे माइनस एफ रखा, राइट। जब ये करा तो आपका ये जो आ गया आफ्टर प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ यू एंड एफ,
ये आ गया आपका 1 बाई वी माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई एफ। इसको कैलकुलेट कीजिए, दैट मीन्स बहुत सिंपल है, माइनस 1 बाई एक्स को इधर लेके जाएंगे तो 1 बाई वी हो गया 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एफ, वी हो जाएगा आपका आफ्टर कैलकुलेशन एक्स एफ बाई एफ माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 बाई वी विल बी रिटर्न एज एफ माइनस एक्स बाई एक्स एफ, तो v कितना हो जाएगा xf by f minus x। उसके बाद फर्दर मैंने ये लिख दिया ऐसे, कैसे, ऊपर नीचे x को बाहर निकाल के कैंसल आउट कर दिया है ताकि x एक ही जगह पे रहे, ताकि डिस्कशन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मतलब यहां से x तो है ही, यहां से x आप डिनोमिनेटर से निकालिए, तो डिनोमिनेटर से जब x निकालेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा x ब्रैकेट में f by x minus 1, और ऊपर नीचे x कैंसल आउट हो जाएगा तो फाइनली x की वैल्यू हो जाएगी f upon f by x minus 1, ये आपका आ गया। क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे you will get the same thing, right? तो v की वैल्यू आपकी ये आ गई। आप इसको एक फॉर्मूले की तरह भी याद रख सकते हैं कि v will be equal to f divided by f by x minus 1, ताकि आपको बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े और आपकी स्पीड जो है अच्छी बने ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। तो अब यहाँ पे x की कुछ वैल्यू प्लेस करते चले जाएंगे, कोई वैल्यू आप प्लेस कर दीजिए और उसके थ्रू आप यहाँ पे इमेज की डिस्कशन कर सकते हैं, राइट। अब सबसे पहला केस क्या हो सकता है, सबसे पहला केस ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट काफी लार्ज डिस्टेंस पे हो, मिरर से ऑब्जेक्ट काफी लार्ज डिस्टेंस पे हो। यदि ऑब्जेक्ट काफी लार्ज डिस्टेंस से मिरर से होता है तो मैथमेटिकली एक्स की वैल्यू इंफिनिटी डाल देंगे। अब एक बात ध्यान में रखना जरूर से, एक्स की वैल्यू अब यहां पे जो प्लेस करना है आपको, ये सिंपल सी बात है, यहां पे आप प्लेस कीजिएगा न्यूमेरिकली, राइट। यहाँ पे x की वैल्यू सिंपल सी बात है न्यूमेरिकली प्लेस करेंगे, यहाँ पे माइनस इनफिनिटी ले रखा है, एक्चुअली यहाँ पे इन्फिनिटी करता हूं मैं, अब x की वैल्यू न्यूमेरिकली प्लेस करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले माइनस इनफिनिटी ले रखा था क्योंकि पहले ही मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशन दे ही दिया, x की वैल्यू माइनस x की वैल्यू यदि इन्फिनिटी डालेंगे तो u माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। दैट मीन्स जो x की वैल्यू है न्यूमेरिकली प्लेस करना है, दैट मीन्स केवल केवल अब यहाँ साइन कन्वेंशन नहीं लगाना है, सिंपल सी बात है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ऐसे प्लेस करेंगे विदाउट अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ये साइन कन्वेंशन लगा के यहाँ पे ये फाइनली रिजल्ट निकाला है। तो x की वैल्यू क्या प्लेस करेंगे, क्या माइनस से प्लेस करेंगे, नहीं, x की वैल्यू ये 25 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डायरेक्टली x की वैल्यू 25 सेंटीमीटर डाल दीजिए। f की वैल्यू जो फोकल लेंथ आपकी मिरर की दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, वो डायरेक्टली 10 सेंटीमीटर डालिए। अब v की वैल्यू यहाँ पे आप निकाल लीजिए, सिंपल सी बात है, राइट। तो मैं बार बार कर रहा हूं, अब इस जगह पे इस रिजल्ट में एफ और एक्स की वैल्यू सिंपली जो है विदाउट टेकिंग साइन कन्वेंशन डालना है, सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू डालना है, ये बात ध्यान में रखना है। तो यहां पे एक्स की वैल्यू मैंने इंफिनिटी डाल दिया, क्यों डाला, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर से काफी लार्ज डिस्टेंस पे। अब ये लार्ज डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लार्ज डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना 50 किलोमीटर पे बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है, फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में देखी जाती है। फोकल लेंथ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है एक मिरर की, तो यहां पे लार्ज डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर लार्ज डिस्टेंस हो गई एक तरह से, क्योंकि 500 सेंटीमीटर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर एक्सपेक्ट काफी काफी ज्यादा है, समझ रहे हैं बात को। दैट मीन्स यहां पे फोकल लेंथ के कंपेरिजन में देखना होता है कि एक्स की वैल्यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी ज्यादा है, उसी बेसिस पर वो डिसाइड कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है या नहीं है। जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल दिया आपको, मान लो फोकल लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर है और एक ऑब्जेक्ट 500 सेंटीमीटर पर रखी हुई है, तो इट इज एज्यूम्ड कि एक तरह से ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी हुई है। 1000 सेंटीमीटर पर रखी हुई है तो इट इज एज्यूम्ड कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी हुई है, राइट। ये वाली बात होती है, तो वही वाली बात होगी कि x की वैल्यू मैंने इन्फिनिटी डाल दिया, यदि x की वैल्यू इन्फिनिटी डालेंगे तो f by infinity will give 0, तो v किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस f के, अपने आप आ गया। v माइनस f आने का मतलब क्या है, v माइनस f आने का मतलब है कि डेफिनेटली उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी वो मिरर ऐसा है तो इसी साइड बनेगी, क्योंकि तभी तो पोल से डिस्टेंस जब इधर जाएंगे मेजर करने के लिए अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो निगेटिव होती है ना, तो v माइनस एफ है। व्हाट डज इट मीन, इसका तो इमेज फोकस पे बन रही है एट द डिस्टेंस ऑफ f, मतलब फोकस बन रही है पोल से और मिरर के सामने रियल इमेज बनेगी। और वैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था ये बात कि कोई भी रे जो इंफिनिटी से चलती है
लार्ज डिस्टेंस से चलती है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो एक्चुअली फोकस पे कन्वर्ज करती है। और इसी डेफिनेशन को हम लोग नाम क्या दिए थे इसी बात को, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, राइट। तो ये वाली बात है, तो यही बात यहां पे फोकल लेंथ आ गई इसकी कॉनकेव मिरर की। तो एक केस ये बन गया। अब अगला केस देखते हैं। अगले केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर के बीच में रख दिया। जैसे देखिए यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, इंफिनिटी लार्ज डिस्टेंस और सेंटर सी। सेंटर सी का मतलब क्या होता है बताइए? सेंटर सी की जो डिस्टेंस होती है पोल से वो आर के इक्वल होती है, आर की वैल्यू 2f के इक्वल होती है। तो ये जो पी एफ है ये फोकल लेंथ कहलाता है जिसको हम लोग एफ लिखते हैं, और पी सी ये जो कहलाता है आर 2f के इक्वल होता है। आप सारी बात मैं बार बार कर रहा हूं, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन तो है ही, साथ में सारा सारा पैरेक्सल रेंज के लिए सारे रिजल्ट वैलिड है, जितनी भी ये मिरर फॉर्मूला ये पैरेक्सल रेंज के लिए वैलिड है, इस बात को ध्यान रखना। और ये विद कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ये बार बार मैं कर रहा हूं, पिछले सारे लेक्चर को आपको देखना चाहिए ताकि एक एक बात आपको बेटर वे में समझ में आए। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि भाई कि हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी या सेंटर के बीच में रख दिया, मतलब यदि फोकल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर है लेट्स से, तो हमने ऑब्जेक्ट को जो है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी आपकी 20 सेंटीमीटर, तो मैंने ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर पर रख दिया, 40 सेंटीमीटर पर रख दिया, राइट, 25 सेंटीमीटर पर रख दिया, ऐसे करके रख दिया, तो इन्फिनिटी एंड सेंटर के बीच में। तो इन्फिनिटी या सेंटर, यदि आप इन्फिनिटी या सेंटर के बीच में रखेंगे तो V की जो वैल्यू आएगी नेगेटिव साइन के साथ आएगी, और ऐसी वैल्यू आएगी जो कि डिस्टेंस सेंटर और फोकस के बीच में होगा, पक्की बात है। जैसे मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूं, सपोज मैंने एक्स 3f रख दिया। अब आपको बताया था ना कि भाई कि एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है आपको, यहां पे मैं साइन के साथ नहीं रखनी है। यदि एक्स यहां रखेंगे 3f तो यू इक्वल टू माइनस 3f अपने आप साइन के साथ आ गया, तो x की वैल्यू यहां पे मैंने 3f रख दिया। यदि x की वैल्यू 3f रखेंगे आप कैलकुलेट कीजिए तो v आ जाएगा माइनस 3f बाई 2, करके देखिए यहां पे x की वैल्यू 3f रखिए तो f बाई 3f कितना हो जाएगा बताइए 1 बाई 3, तो f अपॉन 1 बाई 3 माइनस 1 आफ्टर कैलकुलेशन इट विल गिव v माइनस 3f बाई 2। माइनस 3f बाई 2 का मतलब क्या हो गया माइनस 1.5f, माइनस साइन का मतलब क्या हो गया, माइनस साइन का मतलब हो गया कि यदि ये मिरर ऐसे है तो मिरर के सामने बनेगी इमेज की फॉर्मेशन, राइट। 1.5f का मतलब है सेंटर एंड फोकस के बीच में, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस आपकी 2f है और ये f है, तो कहीं इसी के बीच में तो बनेगी, ये वाली बात है। तो इसलिए कहा जाता है, और ये देखेंगे भी यहां से एनालिसिस करके, कि यदि x की वैल्यू कोई भी डालिए इंफिनिटी और 2f के बीच की, इन्फिनिटी और सेंटर का मतलब क्या इन्फिनिटी और 2f के बीच की, आपको पक्की पक्की बात है v की वैल्यू जो आएगी वो आपका यहां पे आएगा f से लेके 2f के बीच में, ये पक्की बात है। तो इससे हमने ये डिड्यूस कर लिया कि इसका मतलब यदि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी या सेंटर के बीच में रखा जाए तो इमेज जो बनेगी वो बिटवीन सेंटर एंड फोकस बनेगी बाय द कॉनकेव मिरर, ये बात पक्का है, राइट। तो ये एक रिजल्ट हमारे सामने आ गया, तो इस तरीके से हमने करा। अब जब ये आप कैलकुलेट कर लेते हैं इमेज डिस्टेंस को, देन इसके बाद रे डायग्राम ड्रॉ कीजिए ताकि रे डायग्राम से आपको पता चलेगा कि नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा। तो नेचर ऑफ द इमेज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट आपका है, इस ऑब्जेक्ट से कोई भी दो रे निकालिए स्कैटर करता हुआ, एक रे ऐसे गई जिस पॉइंट पे इंसिडेंट करी वहां पे साथ में एक नॉर्मल डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिया, तो ऑब्वियस बात है रिफ्लेक्टेड रे ये होगी। तो रिफ्लेक्टेड रे जब आएगी तो यहां पे कट कर रही है, यदि एक रे बिल्कुल अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आई और ऐसे ही लौट गई, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाने वाली कोई भी रे जो होगी नॉर्मल होगी, तो इसी के अलोंग रिफ्लेक्ट कर गई, तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और यही वाली जो डिस्टेंस है वो 3f बाई 2 के इक्वल है, राइट। तो ये कैसा इमेज बनाया, रियल इमेज बना, क्योंकि रियल इमेज का कॉन्सेप्ट हमने क्या डिस्कस करा हुआ है कि यदि रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली रे एक जगह पे जब इंटरसेक्ट करती है कन्वर्ज करती है तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे मतलब इंटरसेक्टिंग रेज है, एक्चुअल इंटरसेक्टिंग रेज। तो हम लोग ऐसी इमेज को हम लोग क्या नाम देते हैं, रियल इमेज देते हैं। तो दैट वे देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज, और इसको आप एक स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या आप स्क्रीन पे इसे आप यहाँ पे डालेंगे तो स्क्रीन पे ये प्रोजेक्ट हो जाएगा, स्क्रीन पे दिखेगा आपको, स्क्रीन पे ये इमेज आपको दिखेगा। तो इस तरीके से मैंने अभी तक दो केस डिस्कस किया है। एक बात और यहां पे काफी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे थी
तो इमेज बन रहा था एग्जैक्टली एफ पे। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सेंटर के टुवर्ड्स जा रही है तो इमेज जा रहा है फोकस से सेंटर के टुवर्ड्स। मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक तरह से काफी काफी ज्यादा है, बट इमेज की वेलोसिटी इतनी ज्यादा नहीं है। जितने टाइम में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सेंटर की ओर जा रहा है उतने ही टाइम में इमेज फोकस से सेंटर शिफ्ट कर रहा है। यही तो मतलब है, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर जाएगा इमेज वैसे वैसे इधर आएगा। जब अगला केस ये होगा कि जब आप एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देंगे, जो कि मैं डिस्कस कर ही देता हूं, जब ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दीजिएगा, दैट मींस यहां पे x की वैल्यू कितना प्लेस करेंगे, 2f। जब x 2f प्लेस करेंगे तो v डेफिनेटली यहां पे -2f आएगा। देख लीजिए करके, f यहां पे रखते x की वैल्यू 2f, तो f अपॉन 2f, तो 1/2 -1 -1/2, तो v की वैल्यू -1 -2f आ गई। मैं इसको जरा ठीक कर देता हूं, ये थोड़ा सा ये हो गया इसमें। तो देखिए ध्यान से, यहां पे यदि x की वैल्यू आप 2f प्लेस कर देते हैं तो v की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, -2f आ रही है। इसका मतलब यदि ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज भी बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। ये थर्ड केस हो गया आपका, राइट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को यहां पे रखें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप रखेंगे तो हर एक रे जो इंसिडेंट करेगी स्कैटर होके इस ऑब्जेक्ट से, इसके ऊपर जो रे इंसिडेंट करेगी मिरर पे, वो अलोंग द नॉर्मल करेगी, क्योंकि कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हुई एक ये वाला स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यदि किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उससे जो रे आएगी मिरर के ऊपर वो नॉर्मल के लॉन्ग आएगी। तो जब नॉर्मल के लॉन्ग आई तो उसी डायरेक्शन में क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। जब उसी डायरेक्शन रिफ्लेक्ट कर जाएगी तो सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही करेगी। तो इससे हमने ये डिस्कस कर लिया कि भाई कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, कॉनके मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो स्फेरिकल है वो डेफिनेटली इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। तो ये वाली बात हो गई, राइट। अब अगला केस आप खुद ट्राई करना घर पे, जो कि मैं कहना चाहूंगा कि अब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रख दीजिए। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखेंगे, मतलब x की वैल्यू किसके बीच में होगी, 2f और f के बीच में, तो 2f और f के बीच में रखेंगे तो v जो आपका आएगा वो बेसिकली 2f से ज्यादा आएगा। इसका मतलब इमेज कहां बनेगी, इमेज उस केस में इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, राइट। अब फिर से उसका रे डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि रियल इमेज बन रही है। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे लेके जाना है, फोकस पे लेके जाना है। जब फोकस पे लेके जाइएगा x की वैल्यू f, तो v यहां पे आपका इंफिनिटी हो जाएगा। देखिए f की वैल्यू f डालिए, तो x f डालेंगे तो f by f 1 1 -1 विल गिव 0, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, इंफिनिटी आ जाएगी। इसका मतलब यदि ऑब्जेक्ट को आप x की जगह पे x यदि f रखा जाए तो यहां पे ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो इंफिनिटी पे बन जाएगी, राइट। तो ये वाली बात यहां पे है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। अब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकल लेंथ, मतलब फोकस अब पोल के बीच पे। जब फोकस अब पोल के बीच पे रखेंगे तो उस केस में x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू f से कम हो जाएगी। और जब x की वैल्यू f से कम हो जाएगी तो v उस केस में आपका पॉजिटिव आएगा। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, x की वैल्यू यदि f से कम रखेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव आएगी। रख दीजिए x की वैल्यू f by 2 रख लीजिए, यदि f by 2 रखते हैं तो ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 2 2 -1 विल गिव 1, तो v की वैल्यू प्लस f आ गई। प्लस आने का मतलब क्या है, प्लस आने का मतलब है कि द इमेज विल फॉर्म बेसिकली इस मिरर के इस साइड में, जो आपका इमेज है वो इमेज v प्लस आ रहा है। तो v प्लस आने का मतलब हो गया कि इमेज डेफिनेटली इसका इस साइड फॉर्म करेगा, क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे द डिस्टेंस मेजर विल बी सिंपली पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पे इमेज मिरर के पीछे बनेगा, और ऐसा इमेज जब रे डायग्राम ड्रॉ करके देखेंगे तो आपका वर्चुअल इमेज आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि एक मिरर, कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल कॉनकेव मिरर विल फॉर्म रियल इमेज एज वेल एज वर्चुअल इमेज।
फॉर विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, राइट। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, पूरी डिस्कशन आप ध्यान से लिखिए, जैसा कि मैं पढ़ने का तरीका बताया हुआ हूं कि भाई एक एक चीज समझ समझ के करना है, तो फिर से एक बार मैं रिकैप कर देता हूं। पहली बात, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बन रहा था, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर के बीच में रखा गया तो इमेज जो बनेगा और रियल इमेज बनेगा और वो सेंटर एंड फोकस के बीच में बनेगा। जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखेंगे तो इमेज सेंटर पे ही बनेगा, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो फिर से दोबारा रियल इमेज ही बनेगी और वो रियल इमेज फिर से आपका जो इंफिनिटी एंड सेंटर के बीच में बनेगी। जब ऑब्जेक्ट को पोल ऑफ फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज उस केस में वर्चुअल बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, और इस तरीके से हमने सारी बात डिस्कस करी है, राइट। तो ये सारी बात हमने डिस्कस करा है, तो ध्यान से समझने सोचने वाली बात है, तो मेरे ख्याल से सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि क्या एग्जैक्टली है। तो इसको ध्यान से एक बार और बढ़िया से आप सोच समझ करके दिमाग में बैठाइए और अच्छे से उसे वर्कआउट कीजिए, राइट। तो अब अगला एक एग्जांपल मैं ले लूंगा जिसमें कि कोई मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लूंगा, और उस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को लेकर के मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं, ताकि आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को लेकर भी कैसे काम करेंगे उसके ऊपर बात आप सोच सकते हैं। तो उसका मैं अप्रोच डिस्कस कर दूंगा बाय टेकिंग द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ताकि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के ऊपर बात हो जाए, राइट। बढ़ते हैं आगे और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे इमेज फॉर्मेशन की बात करी थी हमने बाय द कॉनकेव मिरर फॉर द पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर हमने बात किया था। अब हम लोग इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में, राइट। तो मैं आपको प्रैक्टिकल वे में बताता हूं आप क्या करें। घर में करछी होती है, वो इस तरह की करछी है, ये आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि ये कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। इसमें क्या करें, आप अपने फेस को इसके सामने रखें, आप ऐसे करके आप ये जो करछी लें ना, ये करछी थोड़ा चमकता हुआ नई वाली करछी लेंगे ना, तो आप बिल्कुल बड़े आसानी से प्रैक्टिकल वे में अपने फेस को देख सकते हैं, इसमें इसका इमेज देख सकते हैं, अपने फेस का इमेज देख सकते हैं। तो आप करछी को इस तरह से रखिए और आप क्या कीजिए, करछी को आगे पीछे कीजिए। जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी जो इमेज बनेगी ना, उसका डायमेंशन चेंज होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फिगर है वो एक्सटेंडेड है, ये मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में हूं। एक मेरा जो फिगर है, जो फेस आप देख रहे हैं, वो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। तो आप जब इसको आगे पीछे करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आपकी इमेज जो बनेगी, एक तो इन्वर्टेड इमेज मैं ऐसे रखा हूं ना, तो मैं देख रहा हूं यहां पर मेरा एक इन्वर्टेड इमेज है, राइट। अब जब आप इसको दूर लेके जाएंगे तो आपकी जो इमेज की साइज देखेंगे, मैं देख रहा हूं कि ये जो है छोटी हो रही है, जब मैं इसको पास लेके जा रहा हूं तो इमेज की साइज बेसिकली बड़ी हो रही है। तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जस्ट आप एक छोटा सा आप घर पे जो है इस ऑब्जर्वेशन को आप देख सकते हैं। तो मैंने इसलिए आपको समझाया ताकि आप इस बात को फील कर सकें। अब वहीं पर जब आप ऐसे रखेंगे, ये वाला इसको रखेंगे, तो ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स सरफेस एक तरह से। तो जब आप ऐसे रखेंगे तो आपकी इमेज जो दिखेगी ना, वो बिल्कुल सीधी दिखेगी, इरेक्ट इमेज दिखेगी। तो आप ये करके जरूर से देखना, और जब आप ऐसे करेंगे तो हर पोजीशन पे आपको इरेक्ट इमेज मिलेगी आपको, राइट। तो इससे ये पता चलता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है, एक आप हमेशा जो है इरेक्ट इमेज बनाता है, और जो कॉनकेव मिरर जो है कभी सीधी इमेज बना सकती है, कभी उल्टी इमेज ही बना सकती है, राइट। तो अब इसी डिस्कशन को हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब अप्रोच क्या होता है, देखिए यहाँ पे जब भी आपके पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो जाए तो उसका अप्रोच ये होता है कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को आप ब्रेक कर दीजिए कुछ कुछ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में। लाइक जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए जैसे ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मैंने ले रखा है ए बी, राइट। ये ए बी जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे के परपेंडिकुलर भी हो सकता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी हो सकता है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस भी हो सकता है। ये जो है आपका ए बी में हमने क्या किया है कि जो एंड पॉइंट ए है इस ऑब्जेक्ट का, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए बी आपका ऐसा हो, इसका जो कुछ पार्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो और कुछ पार्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो अब देखिए अप्रोच बहुत ही सिंपल है, जस्ट आप यहां पे दो एक्सट्रीम पॉइंट ऑब्जेक्ट में से कन्वर्ट कर दीजिए। दैट मींस मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट में जो कन्वर्ट करूंगा, एक ए और दूसरा बी, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लीजिए, इसका एक्सट्रीम पॉइंट ऑब्जेक्ट नॉर्मली लीजिए, ये जनरल अप्रोच आप ले सकते हैं। अब आप यहां पे क्या करें, पॉइंट ऑब्जेक्ट ए के लिए बात कीजिए,
बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ए के लिए आप यू लिखिए, एफ तो माइनस एफ होगा, और इसकी इमेज डिस्टेंस निकाल लीजिए, वी निकाल लीजिए, निकाल लिया आपने, तो वही बिल्कुल सेम प्रोसीजर अभी करा था हमने, या आप इस रिजल्ट को भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। अब आप क्या कीजिए, यू भी आपका दिया हुआ ही है, एफ दे रखा है, माइनस एफ है या कॉनकेव मिरर है, अब वी निकल गई, वी निकलने के बाद अब मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, क्योंकि इसे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है, तो हम लोग जनरली यहां पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या हम लोग कहें यहां पे कि लैटरल मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होती है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी बाय यू, इट विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। अब यहां पे u की वैल्यू आपको पता ही है, जैसे मैंने u यहां पे माइनस एक्स ले रखा है तो माइनस एक्स लिख दिया, v की वैल्यू आपने एक्स एफ बाय एफ माइनस एक्स मैंने निकाल रखा है तो वो वैल्यू हमने प्लेस कर दी, ये देखिए यहां पे v इक्वल टू एक्स एफ बाय एफ माइनस एक्स, इसको मैं ठीक भी कर देता हूं, ये थोड़ा सा जो है आपका यहां पे ये अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आपको, राइट। तो जो v की वैल्यू है वो मैंने प्लेस कर दिया, माइनस साइन तो पहले से रहेगा ही रहेगा, बेसिक बात है, जब इसको प्लेस किया तो आपके पास आ गया f अपॉन f माइनस x। मैं x के टर्म में बात कर रहा हूं, जनरल x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसा कि पीछे हमने डिस्कस किया था, जब आप यहां पे x की वैल्यू रखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, साइन कन्वेंशन तो पहले ही अप्लाई हो गया है, राइट। तो अब देखिए यहां पे इट विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। अब मुझे बताइए ये जो एक्सट्रीम पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने एक ले रखा है ए कहां लाइक कर रहा है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक कर रहा है, यदि ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक कर रहा है तो एच ओ की वैल्यू जीरो डालिएगा, यदि ए ऊपर लाइक करता है, जैसे मैं एक फिगर भी बना देता हूं ताकि आप समझें, मैं सपोज ऐसे बना दिया, लेट से ऐसे बना देता हूं, ये ए है ये बी है, तो अब देखिए यहां पे यदि ऐसा होता तो हमारा ए जो है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, सपोज लेट से एक सेंटीमीटर है, तो एच ओ यहां पे प्लस वन सेंटीमीटर डालते अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। लेकिन यदि हम लोग इस ऑब्जेक्ट की बात करें, इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की, तो ए तो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है, यदि ए प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है तो ए के लिए क्या रखेंगे, इस ए के लिए एच ओ विल बी जीरो, और इस ए के लिए यहां पे एच ओ विल बी प्लस वन सेंटीमीटर, व्हाट एवर बी द। फिर से देखिए समझिए बात को, यहां पे जब आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी के लिए बात करेंगे, इस ए बी के लिए, तो बताइए ए जो इसका एक्सट्रीम पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ए के लिए, इस ए के लिए क्या बात करेंगे, एच ओ जीरो, यदि एच ओ जीरो लेंगे तो एच आई भी जीरो आ जाएगा, और एच आई जीरो होने का मतलब क्या, फिजिकल मीनिंग क्या है उसका, कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ही बन रही है, तो इस ऑब्जेक्ट ए की जो इमेज बनेगी वो ए डैश पे बन गई, राइट। लेकिन मैं यदि इस ऑब्जेक्ट की बात करता हूं ए बी की, तो यदि ए बी की, इस ए बी की बात करूं तो ए प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, मान लीजिए ए प्रिंसिपल एक्सिस से लेट से एक सेंटीमीटर ऊपर है, तो एच ओ क्या लिखेंगे, इस के लिए प्लस वन सेंटीमीटर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एच आई आ जाएगा, जो एच आई आएगा वो बताएगा कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट जो एक्सट्रीम पॉइंट ऑब्जेक्ट ए है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या है, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस ए का जो इमेज ए डैश बनेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा या नीचे होगा। यदि एच आई की वैल्यू इसकी पॉजिटिव आ गई तो हम लोग कहेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, यदि एच आई इसके नेगेटिव आ गई तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। एक्चुअल केस जो ये है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो एच आई आएगी वो निगेटिव आएगी, तो हम लोग कहेंगे इस ए की इमेज यहां ए डैश कुछ नीचे बनेगी। अप्रोच समझ रहे हैं ना बात को, कि अप्रोच यहां पर बेसिक है कि आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है यहां पे एक्सट्रीम पॉइंट ऑब्जेक्ट में, दो एक्सट्रीम पॉइंट ऑब्जेक्ट दे दीजिए, राइट। तो उसके थ्रू आप बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस फॉलो करते जाइए जो मैं आपको समझाया जा रहा हूं। तो इस तरीके से यहां पे ए की इमेज यहां पे ए डैश बन गई। अब बी का लीजिए, बी देखिए कि बी की यहां से हाइट कितनी है, जो प्रॉब्लम में जैसा दे रखा होगा, तो एच ओ जो लिखेंगे लेट से ये तीन सेंटीमीटर पे, तो एच ओ प्लस थ्री सेंटीमीटर, इससे एच आई की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद। अब एच आई निगेटिव आ गई तो हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, एच आई पॉजिटिव आ गई तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इस तरीके से बात करेंगे। तो जब आप देखेंगे ध्यान से, तो देखिए एक्चुअल केस क्या है, ये ऑब्जेक्ट या ये वाला ऑब्जेक्ट इंफिनिटी एंड सेंटर के बीच में रखा हुआ है। यदि इंफिनिटी और सेंटर के बीच में रखे
जाएगा इस ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में ए का इमेज ए डैश पे बनेगा और इस ए का इमेज ए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, बी का इमेज जो बनेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन जाएगा क्योंकि इस बी के लिए एच आई की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी कैलकुलेट करेंगे तो। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट से ये यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस ले लीजिए सपोज 3f, तो x की वैल्यू 3f डाला आपने, यदि x वैल्यू 3f डालेंगे तो ये क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा, f डिवाइड बाय f माइनस 3f, तो कितना आ गया बताइए, माइनस 1 बाय 2 आ गया, तो माइनस 1 बाय 2 आ गया। तो इससे आपको एक बात ये भी समझ में आ गई कि एक तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, जो ये बड़ी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज छोटी बनेगी, एक बात ये भी है। अब a के लिए एच ओ जीरो है तो एच आई भी जीरो, बट b के लिए एच ओ लेट से 3 सेंटीमीटर है तो एच आई कितना आ जाएगा, माइनस 3 बाई 2 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी हमने कितना किया 1 बाय 2 फॉर x इक्वल टू 3f, मतलब ये वाली डिस्टेंस 3f के इक्वल ली गई। तो ये बात समझ में आ रही है यहां पे, तो एच आई कितना आ जाएगा, माइनस 3 बाई 2f, तो b का जो इमेज बनेगा वो यहां पे बनेगा नीचे क्योंकि माइनस आई है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और यहां से कितने डिस्टेंस पे, देखिए यहां पे b, सपोज मैंने जैसा भी बात करी कि b की हाइट यहां से प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर प्लस 3 सेंटीमीटर है, और चूंकि ये माइनस 1 बाई 2 आया है तो फॉर b एच आई की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 3 बाई 2 सेंटीमीटर। माइनस 3 बाई 2 का माइनस साइन का मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनना, और कितना नीचे बनना, 3 बाई 2 सेंटीमीटर पे, तो इसका मतलब यदि ये 3 सेंटीमीटर पे तो ये कितना बना, 3 बाई 2 सेंटीमीटर। इससे हमें ये समझ में आ गया कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कैसी बनी, डिमिनिश बनी और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनी, तो इस तरह से इसकी इमेज यहां पे इन्वर्टेड बन गई यदि ये ऑब्जेक्ट आपका इस तरीके से प्लेस्ड है। यही सेम अप्रोच बिल्कुल हम लोग हर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सपोज मान लीजिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आपका ये है, तो कैसे कीजिएगा, ए का हाइट देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, अब फिर ए का एच आई निकाल लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो उसका इमेज ए डैश बनेगा, फिर बी की देखिए एच ओ प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, फिर बी के लिए आप एच आई निकाल लीजिए उसे एग्जैक्ट लोकेशन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज ए डैश बी डैश होगा वो आपका पता चल जाएगा। इस तरीके से अप्रोच होता है यहां पे आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को लेकर के, राइट। तो मेरे ख्याल से मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या एग्जैक्टली बताना चाह रहा हूं। तो बिल्कुल यही सिमिलर अप्रोच हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करके वर्कआउट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे अब और बात कर लेते हैं, यदि ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इंफिनिटी या सेंटर के बीच में हो तो इसकी इमेज जो बनेगी बाय द कॉनकेव मिरर वो सेंटर एंड फोकस के बीच में बनेगी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके हिसाब से m की वैल्यू जो आएगी, यदि x की वैल्यू इंफिनिटी और 2f के बीच में डालेंगे तो m की वैल्यू जो आएगी, मैग्निफिकेशन m जो आएगा नेगेटिव आएगा और लेस देन 1 आएगा, मैग्नीट्यूड उसकी लेस देन 1 आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं, यहां पे m की वैल्यू एक तो नेगेटिव आएगी और उसकी जो m की जो मैग्नीट्यूड लेंगे वो लेस देन 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपकी इमेज होगी वो डेफिनेटली यहां पे इन्वर्टेड होगी और साथ में छोटी इमेज होगी, डिमिनिश्ड इमेज होगी। कब, जब ऑब्जेक्ट आपने इंफिनिटी और सेंटर के बीच में रखा है। अब इस ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली सेंटर पे रखने, ऐसे सेंटर पे बिल्कुल, तो जब सेंटर पे रखेंगे तो x की वैल्यू कितना डालेंगे, 2f। जब x की वैल्यू 2f डालेंगे तो मैग्निफिकेशन विल कम आउट -1। -1 का मतलब है कि -1 का मतलब है इन्वर्टेड होना, यही तो मतलब हो गया, अभी तक तो ये डिस्कस किया ना हमने। और चूंकि मैग्नीट्यूड इसकी 1 है मैग्निफिकेशन की, तो एग्जैक्टली मैं कहूंगा यहां पे कि जो साइज ऑफ द इमेज होगी वही साइज, जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा वही साइज ऑफ द इमेज होगा, मतलब यदि इतना है तो बिल्कुल नीचे उतना ही बनेगा बाय द कॉनकेव मिरर। अब मैं बात करता हूं सेंटर एंड फोकस के बीच में, यदि सेंटर और फोकस के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो सेंटर एंड फोकस के बीच में रखेंगे तो उस केस में मैग्निफिकेशन आपका फिर से निगेटिव ही आएगा, फिर से निगेटिव आएगा, बट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगा। जैसे एक्स की वैल्यू रख दीजिए यहां पे 3f/2 रख के देखिए ना, x की वैल्यू 3f/2 इसके बीच में गई रख दिया, x की वैल्यू 3f/2 रख दीजिए, तो x की वैल्यू 3f/2 रखेंगे तो मैग्निफिकेशन विल कम आउट नेगेटिव और f माइनस 3f/2 विल गिव माइनस f/2 जिसकी वैल्यू f m की कितनी आ जाएगी -2। x की वैल्यू 3f/2 रख के देखिए,
तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, माइनस टू आ जाएगी। माइनस टू का मतलब क्या हो गया कि माइनस साइन क्या होता है, इन्वर्टेड, और टू का मतलब हो गया कि मैग्निफाइड। इसका मतलब यदि ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट सेंटर एंड फोकस के बीच में आपने रखा है तो इमेज विल फॉर्म बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर, और ये एक्सटेंडेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ये तो मतलब हुआ। अब अगला केस ले लेते हैं हम लोग यहां पे कि ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाए। फोकस पे रखने का कोई मतलब नहीं बनता, यदि ऑब्जेक्ट आप फोकस पे रख देंगे तो इमेज इंफिनिटी बनेगा, साइज बहुत लार्ज हो जाएगी, उसका यहां पे ऐसा कोई मतलब नहीं है। बट फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में, इसके बीच में देखिए, तो ऑब्जेक्ट यदि फोकस और पोल के बीच में रखा जाए तो एक्स की वैल्यू एफ से कम होगी, और जब एक्स की वैल्यू एफ से कम हो गई, लेट्स से एफ बाई टू ले लीजिए, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू मैं जैसे एग्जांपल ले लेता हूं एफ बाई टू, तो एफ माइनस एफ बाई टू, इट विल गिव एफ बाई टू, मैग्निफिकेशन विल बी प्लस टू। तो मतलब प्लस का मतलब क्या हो गया कि जो आपका जिस साइड में एक तरह से ऑब्जेक्ट है, इमेज उसी साइड में बनेगा। मतलब ऑब्जेक्ट का यदि ऐसा है तो इमेज भी ऐसा ही बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगी, इस केस में इन्वर्टेड नहीं बनेगी। कब? जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। और टू मतलब मैग्निफाइड, यदि ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो यू विल गेट द मैग्निफाइड इमेज, इरेक्ट इमेज एंड वर्चुअल। तो इस तरीके से पूरा डिस्कशन हमने आपके सामने रखा है, इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर फॉर द रियल ऑब्जेक्ट। पहले तो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया, पॉइंट ऑब्जेक्ट को डिस्कस करने के बाद हमने फिर किस तरह के ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को। तो ये पूरी डिस्कशन हमने आपके सामने रखा है। प्रॉब्लम का अप्रोच क्या होगा मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, इस अप्रोच को ध्यान में रखना है, सारे की पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, जितने की पॉइंट्स अब तक हमने डिस्कस करे हैं। फिर भी मैं एक बार की पॉइंट्स रिवाइज करा देता हूं, फाइनल सारे की पॉइंट्स, ताकि एक जगह आपको समझ में आए। जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगी, इमेज फोकस पे बनेगी, पहली बात। यदि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर के बीच में रखा आपने, ये सारा बात क्या हो रही है, कॉनकेव मिरर को लेके हो रही है। यदि ऑब्जेक्ट को आपने इंफिनिटी या सेंटर के बीच में रखा तो इमेज सेंटर एंड फोकस के बीच में बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल इमेज बनेगी, राइट। ऑब्जेक्ट यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, या यदि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, यदि पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही उसकी इमेज बनेगी, यदि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज होगी। यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखा है तो उस केस में इमेज इंफिनिटी या सेंटर के बीच में बनेगी, और आपका यहां पे मैग्निफाइड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। यदि ऑब्जेक्ट को आपने सेंटर फोकस एंड पोल के बीच में रखा है तो उस केस में आपकी इमेज जो बनेगी वो आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, जैसे ये वाला केस है, मैग्निफाइड बनेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी। ये सारा कुछ मैंने आपके सामने फाइनल सारे पॉइंट्स को रख दिया है कि किस तरीके से इमेज की फॉर्मेशन करेगा एक कॉनकेव स्पेरिकल मिरर फॉर द रियल ऑब्जेक्ट। अब जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप वर्कआउट करेंगे, तब जाके आगे पता करेंगे हम लोग, पता चलेगा कि इसकी आखिर कैसे। तो अब जितना ज्यादा हो सके इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। अगले सेशन में मैं कुछ एक प्रॉब्लम भी करवाऊंगा ताकि आपको पूरी की पूरी बातें अच्छे से आपको पता चले कि आखिर हो क्या रहा है, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको डेफिनेटली सेशन पूरा का पूरा पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा आपको, सारी बातें समझ में आई होगी। तो डेफिनेटली आप लेक्चर को लाइक कीजिए और कमेंट अच्छे अच्छे लिखिए, एंड लोगों को हमारे चैनल के बारे में जितना ज्यादा हो सके बताइए, ताकि हमारे इस काम से सब लोगों को बेनिफिट हो सके। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, कुछ और नए बात करते हैं, नए कॉन्सेप्ट के ऊपर, नए प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करते हैं। जरूर से लाइक सब्सक्राइब करना।